आपने देखा ही होगा इतनी मुश्किल घड़ी में भी आपको मैसेज देना बहुत बड़ी बात होती है, ये तो आपको बताना बहुत ज़रूरी था और मैंने रिक्वेस्ट किया था। ये तो एक दिन का बच्चा था जिसकी औलाद कुछ 5 साल 10 साल 20 साल जवानी में इंतकाल हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं, उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीतता होगा। खबर है अल्तमश की, उसके बाद जो भी एक बच्चे की खबर है तो एक साल अर्तुगुल की, उस बच्चों में बाजू में एक साल के बच्चे की खबर है, कल वो भी मिले थे कब्रस्तान में। अगर ऑपरेशन करने के बाद कुछ हो जाता है तो बहुत दुख होता था, अल्लाह ने बच्चे को जैसा दिया था वैसे ऊपर ले गया, कोई खुशी नहीं। इस दुनिया का एक बूंद पानी भी पी के नहीं। मेरी हिम्मत मनु है, एक्चुअल में मनु हिम्मत से रही ना तो मैं बहुत हिम्मत से रहता हूँ। मनु अगर ऐसे नर्वस रही या सब टेंशन में रही ना दूसरे भी मैटर में मैं मेरी हिम्मत टूट जाती है पूरी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आदाब, नमस्ते। आपको तो जो हादसा हुआ है मन्नू ने अपडेट कर दिया आप लोग को। मैं मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं भी बहुत डिस्टर्ब था क्योंकि मैंने सब लाइव देखा था और क्योंकि ऑपरेशन NICU में मैं ही था, मैं ही गोद में एम्बुलेंस में लेके जा रहा था, उसकी तकलीफ जो हो रही थी वो सब मैंने देखा था। अभी देखो बात कर रहा हूँ तो वो भी नज़र में आ रहा है, लेकिन जो अल्लाह को मर्जी था उसने दिया, देने वाले की भी ज़ात उसकी है, लेने वाले की भी ज़ात उसी की है। बस दिया था कुछ घंटों के लिए और ले लिया, जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। उसको दुख दे के बुलाना नहीं चाहता था अल्लाह। मनु ने सब अपडेट किया, रेफर के टाइम पे हुआ, डॉक्टर की लापरवाही की थोड़ा कुछ हुआ, जो कुछ भी करना था किए हमने, कुछ जितनी फर्ज थे पूरे किए, बहुत हाथ जोड़ा डॉक्टरों के सामने, जो हो सकता हो करो करके डॉक्टर से। हिम्मत नहीं थी, मनु को भी संभालना था, ये था, इसलिए भी मेरा कहीं मूड नहीं था कुछ करने का, बात करने का। बहुत लोग आए मिलने के लिए, बात समझा के गए। बाकी अल्लाह है और आपके मनु, आपके कमेंट से बहुत हिम्मत है मनु को। बहुत सारे यूट्यूबर है जिन्होंने मनु को वीडियो बनाए मनु के ऊपर, तो मनु को उससे भी बहुत हिम्मत है क्योंकि सबने पॉजिटिव किए मनु को, दीदी हम आपके साथ है। और अल्लाह की जो मर्जी थी, बस अल्लाह ने जो दिया था वो ले लिया, इंशाल्लाह और नवाजेगा। कल अल्तमश अर्तुगुल के कबर पे गया था, उनके नेम प्लेट लगी लगवाया माशाल्लाह, बहुत प्यारी कबर बनी है और फर्स्ट कब्रस्तान के फर्स्ट में छोटी सी कबर माशाल्लाह बहुत प्यारी सी रखे, हमेशा यादें जुड़ी रहेगी। ये कम तो कभी भूला नहीं जा सकता है, ये जो हादसा हुआ ये कभी भूलने ऐसा नहीं है, एक औलाद होती है। बस इस सबर पे हम जीते हैं कि हमको भी एक दिन इंतकाल होना है, अल्लाह पैदा करता है और मौत भी देने वाला वही है। और बहुत बड़ी बात यह है कि उसने दुनिया में एक भी ने पानी का बूंद तक नहीं पिया, ऑक्सीजन में ही था। और सबने बताया कि जन्नत के दरवाजे पे वो खड़ा रहेगा, माँ बाप का उंगली पकड़ के लेके जाएगा, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला बोलता भी है अपने फरिश्तों की, जो तुमने फूल लाए उठा के उनके माँ बाप का क्या है, यानी क्या सोच रहे, रो रहे गम मना रहे। अगर फरिश्ते बोलते हाँ गम मना रहे तो उनको जो जन्नत का है वो जन्नत का नहीं रहेगा, जो हकदार माँ बाप। अगर बोलते कि माँ बाप तेरी खुशी में रजा है, तूने दिया तूने लिया, तो तुरंत खुदा ताला फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ उनके माँ बाप के लिए जन्नत में महल बनाओ। तो मन्नू को ही समझाता हूँ, मन्नू तो इस चीज़ों को बहुत मानती है और अल्लाह की हर हदीस पे हर सुन्नत को बहुत गहराई से बहुत सीरियसली करती है। उसी हिम्मत से मन्नू को, और आप जिस तरह से कमेंट्स करते हैं, हदीस कोई है हदीस के थ्रू समझाया है, जन्नत का बताया है, एक ना एक दिन वो ज़रूर मिलेगा, कयामत के रोज़ तो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, हम क्या क्या होते हैं, हमको भी एक दिन फना होना है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अब अपना ध्यान रखिए और सबके लिए थैंक यू, और मन्नू के लिए दुआ कीजिए। मन्नू बहुत हिम्मत वाली है और बहुत आप लोग से प्यार करती है, तो मन्नू इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अब मैं अकेला इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, बताइए कि मन्नू को मैं अकेला कहीं जा भी जा रहा हूँ तो मन्नू फिर रोना शुरू हो जा रहा है, मैं इसको कहीं अकेला नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आप लोग समझिए मन्नू हिम्मत वाली है माशाल्लाह, और आप लोग की बहुत सुनती भी है,
है ना मनु? चलो हिम्मत है, बहुत हिम्मत वाली है मनु माशाल्लाह। अरे हर माँ को हिम्मत से लेना चाहिए, जो चीज़ अपनी नहीं थी वो चलेगी तो उस पर गम नहीं करना, क्योंकि अपनी तबीयत खराब हो जाती है, अपने कमजोर हो जाते हैं, उस चीज़ का क्या गम करना, जो जिसने दिया था उसने ले लिया। चलो अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन्नू दी आप पहले ऐसी हंसी आपके चेहरे पे आ जाए, और सच में वो हंसी वाला चेहरा ही अच्छा लगता है मन्नू को, ऐसा उदास चेहरा नहीं अच्छा लगता है। आप उदास मत हो, हम आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, बहुत दुआएं हैं माशाल्लाह, जो जिंदगी में होना है वो होगा, अपने हाथ में कुछ नहीं रहते, अपना काम है मेहनत करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, लव यू।